पंजाब सरकार ने आज पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट नूं दस दिता है कि हजारां कोशिशां दे बावजूद खालिस्तान दे समर्थक अमृतपाल सिंह नूं अजे तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकिया। जस्टिस एन एस शेखावत एडवोकेट इमान सिंह खारा द्वारा दायर पटीशन ते सुनवाई कर रहे हैं, जिस विच पुलिस हिरासत चों अमृतपाल सिंह दी रिहाई दी मांग की गई है। शिखारा ने हाल ही दे विच दायर की पटीशन च दावा किया सी कि अमृतपाल सिंह पुलिस की गैर कानूनी हिरासत च है। अज मामले की मुड़ शुरू हुई सुनवाई दौरान पटीशनर ने अपने दावे की सच्चाई लिए सबूत पेश करने लिए होर समा मंगया। देखो जी, जो एडवोकेट जनरल साहब पेश हुए सरकार वालों, उन्होंने जो इंस्पैक्टर जनरल ने बॉर्डर रेंज के, उन्होंने वालों एफिडेविट दायर किया जी, तो सानू भी बड़ा जो घट समय का जो एविडेंस पेश कर समा मिलया, 24 घंटे की मोहलत मिली सी। तो देखो, एविडेंस पेश करना असी कोई वैसे नहीं कोई वीडियो फड़ा सकते, जो प्रोसीजर होंगे अदालत का 65B का सर्टिफिकेट लगता है, एफिडेविट तैयार करना पैंता, फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट होवे तक जो केस है होर पक्का हो जाता है। तो सानू 24 घंटे का समय बड़ा ज़्यादा घट सी, सारा प्रोसीजर जो लीगल प्रोसीजर है उसने कंप्लायंस करने के लिए, तो बाकी होर भी जो जो एविडेंस है सानू लोग भेज रहे हैं, तो सानू असी जज साहब सामने ये बेनती की 24 घंटे के साडे तो प्रोसीजर नहीं हो सकना सारा, तो सानू थोड़े दिनों की होर मोहलत दी जाए। तो हुण जो हाई कोर्ट है बंद भी हो जा रही है, छुट्टियां का जो कुछ दिन छुट्टियां हो जा रही ने हफ्ते दियाँ, तो उस तो बाद जो कोई भी जो मान्योग हाई कोर्ट ओपन होगी तो उदो ही सानू डेट मिली है, तो उदो जिन्ना भी प्रोसीजर है सारे प्रोसीजर ना कंप्लायंस करते हुए जी, तो असी जो आपका सारा उत्थे पक्ष रख देवे जी। लगातार गल की जा रही है, तुम कह रहे हो कि अमृतपाल पुलिस की हिरासत बीते दिन एक CCTV सामने आती है, जिस दिखता है कि अमृतपाल का हुडिया बनया हुआ है, पिछले पफन ट्री जरा वो नॉर्मली चल रहा है, पर अमृतपाल बिना दस्तार को वैसटर्न कपड़िया के चलता हुआ नजर आ रहा है। नहीं देखो जी, योजी CCTV मैं तो कोई नहीं देखी, तो नाले मेरे हिसाब न इन्नी कोई कलैरिटी नहीं होंगी भी आप कोई बंदा CCTV फुटेज ना किसी को पछाण सकीए, मैं किसी योजी CCTV पुष्टि नहीं कर सकता। जे ये CCTV मीडिया को होंगी तो पुलिस को ऑटोमैटिकली आ जानी, तो गिरफ्तारी हो जानी सी, उत्थे पहुँच जाना सी उन्होंने। तो मेरे हिसाब न कि कोई किसी ने भी कोई माड़ा मोटा शक लगता है तो हरेक बंदा कोई ना कोई मीडिया चैनल आपका प्रोपेगेंडा शुरू करन तो बाद, तो उस तो बाद जो करैक्टर असैसीनेशन कर लग जाता है भी दस्तार कुछ आए दस्तार छाड़ दी, यह तो मेरे हिसाब से प्रोपेगेंडा AI टेक्नोलॉजी नाल बनाई हुई CCTV फुटेजेज ने जिस पिक्चर ने जी सारी। उन्होंने AG साहब ने जो इंस्पैक्टर जनरल ने उन्होंने वालों जो एफीडेविट पेश कर दिता है जी, तो जो एमिकस क्योरी ने तनु बेदी मैम उन्होंने भी जो लीगल रिसर्च है उन्होंने वह भी पेश कर दी, तो असी जो आपका क्या भी सानू यह समा बड़ा घट सी, लीगल प्रोसीजर असी कंप्लायंस एक दिन नहीं सी कर सकते, तो सानू थोड़ी होर मोहलत दी जाए, तो उस तो बाद सानू अगली डेट मिली है जी। लीगल रिसर्च से तुसी जिक्र कर रहे हो, उन्होंने लीगल रिसर्च का कुछ तथ्य भी पेश किए गए होंगे कोर्ट में दसे गए होंगे? नहीं, उन्होंने कहा भी मैं तथ्यों के उपर कोई उन्होंने कमेंट नहीं किया जी, तथ्यों के उपर जो AG साहब करेंगे जो असी करेंगे, तो उस तो बाद जिन्ना भी असी एविडेंस है वो प्रोड्यूस कर देवे जी। अज 4 पटीशन सी कोर्ट के हैबियस की है, जिद फर्स्ट पटीशन भाई अमृतपाल की टेकअप हुई है, उस उन्होंने कौंसल ने किया है कि असी जी कल CM प्लेस ऑन रिकॉर्ड करनी सी, जिद दसना सी कि वो थाने के कितने उन्होंने फुटेज हैगी उसी पेश नहीं कर सके, सो वी नीड सम टाइम। रेस्ट ऑफ 3 हैबियस से मेरे वाली उस 2 कल पुलिस ने जोड़े बंदे से उन्होंने भेज दिता है, छड़ दिता है। एक बंद उस एक हर दविंदर सिंह हरियावाल ने, एक गगनदीप सिंह मैनेजर ने, उन्होंने दोनों छड़ दिता गया। 3rd का उन्होंने इन्फॉर्मेशन देती कि ही इज़ इन आवर कस्टडी, जोड़ा उस वेले भाई अमृतपाल सिंह नाल हरमेल सिंह योधा से जोड़ा उसकी कार ड्राइव करता से जनरली, तो असी कोर्ट को दसिया है कि जिहड़ियां साढ़े 2 बंद रिलीज़ किया है, उस केस के पुलिस वाले ने जिहड़ियां सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड ने आर्टिकल 21-22 के अंडर उन्हां दी वायोलेशन की है, इन्हां नूं इलाका मजिस्ट्रेट को पेश नहीं किया है, सो असी इहदे विच जिहड़े डिटेन्यूज ने उन्हां दा एफीडेविट पेश करना चाहते हैं, सो उन्हां विच भी कोर्ट ने सानूं कहता है कि तुसीं आपका एफीडेविट पेश करो, सो केस जिहड़ा वा एडजॉइन कर दिता। हाँ, वो कंप्लाई नहीं हुई उस टाइम ही लिया जी। जस्ट डेट मेरे को पहुँची नहीं है, अब नहीं 11 अप्रैल है, इट्स 11 अप्रैल हैगी है, जो भी हैगा है वो जो उन्होंने
हाँ उस एम ए केस अपॉइंट किए ने तनु बेदी उन्होंने बड़ा अच्छा दोनों पास कोऑर्डिनेट किया जजमेंट्स दतिया ने उन्होंने वॉच करने तो बाद 11 अप्रैल ये डिसीजन है। पंजाब सरकार तो कॉन्टीन्यूसली डिनाई कर रही है कि साड़ी कस्टडी विच नहीं हैगा। मैं कल कोर्ट के गल एक्सप्लेन की सी कि जो ये ऑपरेशन जिहड़ा ऑर्गनाइज्ड ऑपरेशन सी स्टेट गवर्नमेंट का ऑन द सेम टाइम पंजाब ते हरियाणे विच रेड्स कॉन्टैक्ट हुई ने जो तुम ऑल द एसोशिएट्स अरैसट कर लेने फिर हाउ इट्स हाईली इम्प्रोबेबल कि तुम जो मेन टारगेट है तुम तो एस्केप कर जाए। सो चाहिए तो हैगी है कि तुम स्टेट की एक्सप्लेनेशन लो कि जोड़ा ये ज्वाइंट ऑपरेशन हैगा जिस पैरामिलिट्री फोर्सेस भी ने पंजाब पुलिस भी है स्पेशल ऑफिसर्स भी ने फ्री सेवा जी हाँ पंजाबी भैणा ते भरावां लई एक सुनेहा अजिहा के जिसनू पढ़ ते सुन तुसी बदल सकदे हो अपनी जिंदगी। इसनू ना समझना कोई इश्तिहार दुनिया भर दे विच तुसी कुम्मे होणे जोची मौलवियां तांत्रिकां ते बाबियां कोल पर नहीं जे बणिया हल तां मैं करांगा तुहाडियां सारियां समस्यावां दे हल। परेशानी जिवें ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਲਾਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਾਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਸੌਤਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਨਵਗ੍ਰਹਿ ਪੂਜਾ, ਮੰਗਲ ਦੋਸ਼ ਪੂਜਾ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ ਦੂਰ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਫਲਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤਾ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 7973822721। ਪੰਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ 100% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ।